नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार का खिताब जीतने वाली श्रीदेवी ने 5 दशक तक फिल्म इंडस्ट्री पर राज किया। श्रीदेवी ने बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने न केवल बॉलीवुड बल्कि साउथ सिनेमा में भी अपनी एक्टिंग की ऐसी छाप छोड़ी कि लोग उनके जाने का सदमा आज तक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। उनकी मौत की खबर ने न केवल उनके परिवार बल्कि फैंस सहित पूरी इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया था। श्रीदेवी की तीसरी पुण्यतिथि पर आज पूरा देश उन्हें नम आंखों से याद कर रहा है। बॉलीवुड की हवा हवाई और पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी की आज तीसरी पुण्यतिथि है। 24 फरवरी 2018 को श्रीदेवी की एक हादसे में मौत हो गई थी और पूरी दुनिया सकते में आ गई थी। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा था कि श्रीदेवी इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। आज भले ही उनकी तीसरी पुण्यतिथि है, लेकिन उनकी यादें लोगों के दिलों में आज भी ताजा हैं। श्रीदेवी पर्दे पर किसी भी तरह की भूमिका को बखूबी उतारने में माहिर थीं। उन्होंने अपने लंबे फिल्मी करियर में हर तरह के किरदार निभाए हैं। श्रीदेवी उन कलाकारों में से एक थीं जिन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी। वो मात्र 4 साल की थीं जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। श्रीदेवी ने भले ही तमिल फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की हो, लेकिन उन्हें खास पहचान बॉलीवुड फिल्मों से ही मिली। देखते ही देखते श्रीदेवी की जिंदगी में एक ऐसा मुकाम भी आ गया जब वो फिल्मों की सफलता की गारंटी बनने लगी। 80-90 के दशक में कहते थे कि श्रीदेवी जिस भी फिल्म में होंगी वो फिल्म हिट रहेगी। श्रीदेवी को भारतीय सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार तक कहा जाने लगा। उन्होंने अपने अभिनय के साथ साथ अपनी खूबसूरती से भी लोगों को दीवाना बना दिया था। निर्माता निर्देशक श्रीदेवी को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के लिए मुंह मांगी फीस देने के लिए तैयार थे। इसी सफलता के चलते श्रीदेवी इंडस्ट्री में 1 करोड़ रुपए की फीस लेने वाली पहली अभिनेत्री बन गई थीं। उन्होंने अपने करियर में चालबाज, नगीना, मिस्टर इंडिया, लम्हे, लाडला और मॉम जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी, लेकिन श्रीदेवी की मौत आज भी एक मिस्ट्री है। रिपोर्ट्स की माने तो श्रीदेवी ने दुबई में नहाते वक्त बाथटब में दम तोड़ दिया था। भतीजे मोहित मारवा की शादी अटेंड करने के लिए श्रीदेवी का पूरा परिवार दुबई गया हुआ था। हालांकि श्रीदेवी की मौत से 2 दिन पहले ही उनकी तस्वीरें आज भी वायरल होती हैं। हालांकि कल मुंबई एयरपोर्ट पर जानवी और खुशी कपूर को स्पॉट किया गया था। माना जा रहा है कि जानवी और खुशी दोनों पिता बोनी कपूर के साथ चेन्नई वाले घर जा रही थी मां की तीसरी पुण्यतिथि पर पूजा करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।